आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निकासित निम्नलिखित में से कौन सा गैस ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, बताना है। मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो बायोगैस, इसे क्या है, मीथेन या गोबर गैस मवेशी के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोक्रॉप उत्पन्न करने करके प्राप्त की जाती है। जैसे जैव गैस में 75% जो जैव गैस है उसमें क्या है, 75% मैथेन गैस होता है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलते हैं। लिखेंगे जो बायोगैस है, बायो गैस, इसे हम क्या जानते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मेथेन, मीथेन या गोबर, गोबर गैस, गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, गोबर गैस, इसे मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर के चलाकर, किसमें चलाकर, डाई, लिखे सही से तो हमारा क्या जाएगा, डाइजेस्टर, जेस्टर में चलाकर माइक्रोक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जैव गैस में क्या है, जैव गैस में, जैव गैस में 75% मैथेन गैस होता है, क्या होता है, 75% मैथेन गैस होता है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। तो हमें बताना संयंत्र कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। तो मैथेन हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन प्रोपेन नहीं होता, ब्यूटेन और एथेन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।